आइए जी मिलते हैं एक और फिट कपल से, मिस्टर एंड मिसेस शिफार। म्यूजिक का क्या, मॉर्निंग शो का क्या, रोमांटिक म्यूजिक लगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? हम सबको दिखा रहे हैं कि भाई हमने हाथ मिला लिए लेकिन हम दूर दूर से मिल रहे हैं, गले नहीं मिल रहे। हम करोना फिर से हम गले मिल रहे हैं लेकिन बद्दली से मिल रहे हैं। शफात ये तो आप और पतले हो गए ऐसा है, देखें आप क्या आपने जरा लगाम जो है सही की हुई है खाने पीने में? नहीं, इनकी वैसे भी माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन हाँ डाइट पे ये बड़े कॉन्शियस रहते हैं हमेशा। दोनों कपल से पहला सवाल ये होता है कि जब शादी का कार्ड आता है, आप लोगों को इनविटेशन मिलता है, सो दोनों मियां बीवी में से कौन ज्यादा एक्साइटेड होता है शादी में जाने के लिए, कौन ज्यादा बेजार होता है कि और कौन तैयारी करे कौन शादी में जाए? देखिए ये यूनिवर्सल है कि जब मेरे दोस्तों के कार्ड आते हैं तो मैं एक्साइटेड होता हूं, ओके, जब इनके कार्ड आते हैं तो ये एक्साइटेड होती है। नहीं, शादी पे मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूं, चाहे वो आपके दोस्त हो मेरे दोस्त हो जो भी हो, क्योंकि तैयार होना होता है, मजे मजे की पिक्चर्स होती हैं, तो वो तो मुझे हमेशा से। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं नहीं, बेजारी नहीं? बेजारी बिल्कुल। और इधर क्या है? मैं बहुत खुश होती हूँ, ये बेचारे भी मुझे शौक नहीं है, मुझे शादियों में और ये उसी वक्त पहुँचते हैं जब बस खत्म होना होता है। हाँ, मुझे इवेंट्स वगैरह में जाने का शौक नहीं है। अच्छा, बस मैं अगर खुश होना होता है तो बहुत दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। अच्छा, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा सुस्त है शादियों में जाने? सुस्त नहीं है, मतलब सुस्त नहीं है लेकिन हाँ इतना नहीं कह सकते हैं। ये वो वाले नहीं है जिनको कजन खड़ा कर देते हैं, चलो अभी मैं डांस करो, ये वो होता है ना, खानदान का एक बच्चा होता है ना कोई, वो हर खानदान में एक बिल्ला रौनकी होता है ना, एक रौनकी बिल्ला होता है खानदान में, तो वो और बाद दफा ये रौनकी बिल्ला तो वो गाने गाता होगा, ये बहुत ज्यादा है गिरती हुई दीवार को एक दंता। ये और दूसरा यहाँ पे रौनकी बिल्ली की भी बात होनी चाहिए, जिनके हम में से कोई है, पता नहीं कौन हम में से कोई है, मैं लेकिन नहीं हम में से कोई है, वो है कोई लेकिन मैं बता नहीं सकता कौन है, लेकिन वो ऐसा है कि जब शादियां होती है तो लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये आएंगे तो मजा आए, और अगर कोई ऐसा हो जाए कि किसी शादी में हम इनवाइटेड हो और हम ना पहुंच सके तो फिर उसके बाद जो एक अगला फोन आता है ना, If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.